हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। सिर्फ एक फैब्रिक और ये एक मैंने लेस यूज की है, इतना ही चीज यूज करके इसे बनाया हुआ है। इसे बनाना बहुत इजी है गाइस, एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप भी इसे अपने कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। ये रहे एक नंबर एक कान्हा जी, इन्हें पहना के दिखाती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से बांध देंगे हम। और ऐसा नहीं है कि बहुत टाइट हो रहा है, अभी भी देखिए इतना गैप है, काफी गैप है, खींचूंगी तो काफी टाइट होगा, बट हमें बहुत टाइट नहीं करना है। इस तरह से करके बांधेंगे, एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप भी बहुत ही खूबसूरत सी पोशाक कान्हा जी की घर पे ही बना सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। आप देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं कान्हा जी, और बहुत इजी तरीके से मैंने इनके लिए पोशाक बनाई है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये चंदेरी का फैब्रिक लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इसकी चौड़ाई देखेंगे तो देखिए मैंने 3.5 इंच से भी एक पॉइंट कम ही रखी, आप 3.5 इंच भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लंबाई अभी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मैंने काफी लंबा सा पीस लिया हुआ है, इसमें से मैं 2-3 ड्रेसेस बनाऊंगी। तो चलिए इसकी मैं लंबाई बताती हूँ। चौड़ाई आप 3.5 इंच ले लें, इसे इस तरह से हमें मोड़ना है नीचे से। ये देखें, ये ऐसे करके मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पे एक हम सिलाई लगाएंगे। चलिए सिल देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं क्या करूंगी, इस पे लेस भी अटैच करूंगी। ये इस तरह की लेस मैंने ली है, येलो कलर में है। ये देखिए, ये इसे हम यहाँ पे लगाएंगे, ये ऐसे करके हमें सिल लेना है पूरे राउंड पे इसके, पूरी जितनी भी हमारी लंबाई है सभी पे हम इसे सिलेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे लेस लगा ली। अब मैं इसकी लंबाई आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने इसे कट कर लिया है। मैं सेम तरीके की 3 ड्रेस बनाऊंगी, मुझे 3 लोगों के ठाकुर जी को देना है। ये देखिए, ये 18 इंच है, और ये भी, इसे मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए ये हमारा 18 इंच है। अब देखिए, ये इधर हमारा ये फोल्डेड है, इधर से हमारा ये लॉक है, हमें करना नहीं पड़ेगा, बट इधर से हमें करना पड़ेगा, इसे इस तरह से लॉक करना पड़ेगा। तो चलिए इसे मैं इस तरह से सिलाई लगा देती हूँ इस पर। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी, और इसकी लंबाई मैं आपको दिखा रही थी। तो देखिए, अब इसकी तैयार लंबाई जो है वो है हमारी 17 इंच, 17.5 इंच के करीब में है। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह से हमें प्लेट बनानी है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए प्लेट बनाएंगे। देखिए, आपके सामने ही बना के दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत और एकदम सिंपल तरीके से रेडी हो जाती है हमारी ड्रेस। इस तरह से हमने सिला, फिर यहाँ पे ये ऐसे करके सिलेंगे। ये देखें, ये इस तरह से, बहुत ज़्यादा पास पास भी प्लेट नहीं डालनी है और बहुत ज़्यादा दूर दूर भी प्लेट नहीं डालनी है। मैंने बहुत थोड़ा सा फैब्रिक इसीलिए लिया है जिससे आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप बहुत ही इजीली इसे बना के रेडी कर लें। ये देखें, ये इस तरह से बहुत जल्दी से बन जाती है ड्रेस गाइस, और बहुत ही खूबसूरत लगती है बनने के बाद। ये इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। ये देखिए, ये हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा इस तरह से आ रहा है इसे हमें कट करके हटा देना है। ये देखिए, बहुत सारे रेसे आ रहे हैं, इसे हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद मैं आपको इसकी कमर भी दिखा देती हूँ कि कितने इंच है। ये इस तरह से ऐसे सीधा कर लेते हैं जिससे हमें मेज़र करने में ईजी रहे। ये इस तरह से हमने सीधा किया, और सीधा करने के बाद ये देखें, ये इस तरह से ऐसे मेज़र करेंगे। ये हमारा 3 इंच से हल्का सा अधिक है, 1 पॉइंट अधिक है 3 इंच से। तो वैसे भी हम यहाँ पे नेफा अटैच करने वाले हैं। ये मैंने नेफे के लिए फैब्रिक लिया हुआ है, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं इसे कम कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से, ये देखें, येलो कलर में फैब्रिक ले लिया है।
जहाँ पे इसकी ये जो चौड़ाई है, ये देखिए ये है हमारी 2.5 इंच के करीब में, और लंबाई तो 3 इंच अगर ये है तो आप 4 इंच इसकी ले लें। मैंने एक्स्ट्रा इसलिए ली है कि मैं मुझे और भी ड्रेसेस इसकी बनानी है, जिस तरह से किया। और ऐसे मोड़ने के बाद यहाँ पे हम इसे सिलेंगे, ऐसे करके हमें सिल लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ एक। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे इस तरह से कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे पलटेंगे और सिलेंगे। यहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के कट किया, इसे भी अंदर मोड़ना है और मोड़ने के बाद इस तरह से यहाँ पे पलट के सिल देना है, ऐसे करके। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है गाइस, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बीच में हम अपनी डोरी भी डाल देंगे। ये मैंने डोरी ली है, ये देखिए इस तरह से डोरी ली और यहाँ पे ऐसे डाल के और सिल देंगे। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि डोरी के ऊपर से सिलाई ना लगाएं, और दूसरी चीज़ कि आप अपनी सिलाई को लॉक जरूर करें। ये देखिए हमने यहाँ पे नेफा लगा दिया है। अब जब हम यहाँ से इस तरह से इसकी डोरी को बांधेंगे, ये देखिए ये ऐसे करके बांधेंगे, तो ये देखिए पूरा इस तरह से कि हमारा गोल हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे इसे इस तरह से एक बार सिलाई लगा दें, यहाँ से लगा देंगे तो और अच्छा रहेगा। ये आपका प्रॉपर इसी तरह से लगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फैब्रिक लेंगे तो फिर ये जो हमने इस तरह की लेस लगाई हुई है ये पूरी ऐसे मुड़ मुड़ के आएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। तो आप कोशिश करें कि कम फैब्रिक में ही आप भी इसे रेडी करें। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 17 इंच लंबाई का ही फैब्रिक लिया है, तो ये हमारा परफेक्ट एकदम बन गया है। अब हमें यहाँ पे अटैच करनी है चोली। चोली के लिए देखिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई वाला ही फैब्रिक लिया है। इसे एक बार इधर से मोड़ूंगी, एक बार इधर से, और फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर मोड़ के और एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने सिल लिया। सिलने के बाद इसकी लंबाई अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने देखिए 7 इंच ली है। क्या करूंगी, इसे यहां से इस तरह से एक बार हम मोड़ेंगे, ये हमारा वी शेप बन रहा है, इस पे पहले सिलाई लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगाई। अब देखिए ये हमें अपनी डोरी यहाँ से खोलनी है। खोलने के बाद ये पूरा इस तरह से ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरह से हमें इसे सिल देना है। तो चलिए मैं इसे सिल लेती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस पर एक बार हल्का सा प्रेस लगा दिया इसी तरह से करके, और अब क्या करूँगी, यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर रख के और सिल देंगे। जिसे ये यहाँ से ज्वाइंट रहता है तो पहनाने में बहुत इजी रहता है। तो चलिए सिल लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे सिल लिया, और सिलने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से लेके आप पूरा यहाँ तक सिल देंगे, बस इतनी दूर मैंने सिलाई। देखिए पूरा ये खाली है, रेड वाले पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ लेस पे सिलाई लगाई है। कितना इजी तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। कान्हा जी को पहना के भी दिखा देती हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे पोशाक पहना दी है कान्हा जी को। बहुत ही इजी तरीके से आप इसे बना के अपने कान्हा जी को पहना सकते हैं। इसे पहना के मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखा दिया, अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।